खबर पटना से। पटना हाई कोर्ट ने बिहार पुलिस को बुलडोजर से भवन तोड़ने पर जमकर फटकार लगाई है। अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि कोर्ट को बंद कर दीजिए, यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा है। अदालत कथित तौर पर भू माफियों के इशारे पर एक महिला का घर बुलडोजर चलाकर गिराने के मामले में सुनवाई कर रही थी। लाइव लॉ के मुताबिक हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? आप किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, राज या किसी निजी व्यक्ति का? तमाशा बना दिया कि किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे, बुलडोजर से मकानों को तोड़ना तमाशा बन गया। जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? तमाशा बना दिया कि किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। अगर घर को गलत तरीके से तोड़ा गया तो वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इसमें शामिल प्रत्येक अधिकारी की जेब से याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपए का भुगतान किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि 5-5 लाख रुपए दिलवाएंगे हम घर तोड़वाने का पर्सनल पॉकेट से, या पुलिस और सीओ मिलकर घूस लेकर घर तोड़वा रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। जज ने इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान सीनियर पुलिस अधिकारी को भी पेश होने के लिए कहा है। इस मामले की सुनवाई 24 नवंबर को हुई थी, लेकिन कार्रवाई का वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से शेयर किया गया। लाइफ ला की रिपोर्ट के अनुसार मामले पुलिस की रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए कोर्ट को ऐसा प्रतीत हुआ कि कानून की उच्च प्रक्रिया का पालन किए बिना राज पुलिस ने अवैध रूप से घर को ध्वस्त कर दिया। जस्टिस कुमार ने कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारी कुछ भू माफियाओं की मिलीभगत में काम कर रहे हैं। जब याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि उसकी याचिकाकर्ता उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भू के इशारे पर जमीन खाली कराने के लिए मजबूर करने के लिए झूठा मामला दर्ज किया गया है, तो न्यायाधीश ने कहा कि भी याचिकाकर्ता की रक्षा के लिए वे हैं। इवन व्हाट्सएप बुलडोजर ले कर आए गए थे। बुलडोजर पेज नंबर 21 पर व्हाट्सएप फोटो है। क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? Whom do you represent? The state or some private persons? तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे, ये काउंटर एफिडेविट का लिखिए, फ्रॉम लिखे काट दीजिए। फ्रॉम रीडिंग ऑफ द एफआईआर काउंटर एफिडेविट ऑफ द एसएचओ इट सीम्स दैट ऑल द ऑफिशियल्स आर हैंड इन ग्लव्स विथ सम लैंड माफिया एंड दे हैव इलीगली डिमोलिश द हाउस ऑफ द पिटिशनर विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। भूमि विवादों को चिन्हित कर थाना को ही पावर दे दिया गया एग्जीक्यूशन करने का। आपका समस्या है तो चले जाइए थाना, पैसा दे दीजिए और घर तुड़वा दीजिए किसी का, कोर्ट को बंद कर दीजिए, सिविल कोर्ट को। इन्होंने प्रेशराइज करने के लिए मेरे ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज कर दिया। बहुत अच्छे, एफआईआर नंबर दीजिए, अभी हम ऑर्डर लिखाएंगे, देखिए ना आप दीजिए, बताइए। आई एम हेयर टू प्रोटेक्ट यू, नॉट टू ट्रबल यू। It has been further submitted by the Learned Counsel for the petitioner that a false case has been registered by the police against the petitioner and his family members to pressurize them to vacate the land at the instance of land mafias who are respondents, private respondents in this case. The further proceedings of FIR of Agam Kuan Police Station PS case number 800-1 of 2022 shall remain stayed and the police is restrained from arresting the petitioner and his family members who are accused in that case. Aur kuch? 5-5 lakh sabse hum dilwayenge inko. Ghar todne ka muawja personal pocket se. जनता दरबार, अब पुलिस और सीओ मिलकर घर तुड़वा रहा घूस लेकर। आ गया एसएचओ का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।